हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो कई सब्जेक्ट के एग्ज़ाम जो है हो चुके हैं और कुछ सब्जेक्ट के एग्ज़ाम अभी भी बाकी हैं, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए हमारी जो ये सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। और जो क्वेश्चंस हैं इसमें वो हमने जो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस उसी टॉपिक पर जो है रिसर्च करके ये क्वेश्चंस लाए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ आप सारे के सारे क्वेश्चंस को कर सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना ताकि ऐसी वीडियोज़ जब जब हम डालें तब तब आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और जितने भी यूनिवर्सिटी रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। और अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, क्लिक करके आप पेपर वन का सिलेबस वाइज सभी वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। आज का पहला जो सवाल है वो ये है कि अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण है, तो सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है अध्यापक की असफलता का? तो इसका सही जो आंसर है वो है अंतव्यक्तिक संबंध। ठीक है, यहाँ अंत व्यक्तिगत लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ के जाएं, यहाँ से तो क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। और कई लोग कह रहे थे कि क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मैं बता दूँ कि जैसा कि सिलेबस में कहा गया है कि पर टॉपिक पर 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, कई शिफ्ट ऐसी हैं जिसमें रिसर्च के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कई शिफ्ट ऐसी है जहाँ पर जो है करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो प्रक्रिया है उस तरीके की कि पर टॉपिक पर 5-5 क्वेश्चंस, वो उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप हर एक टॉपिक पर अपनी पकड़ बना कर रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? ठीक है, यहाँ सामंजस्य स्थापित करने की बात हो रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, छात्रों को मित्र बना करके। ठीक है, छात्रों को मित्र बना करके जो है वो सामंजस्य स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कार्यशाला के विषय में कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है, कार्यशाला के विषय में कौन सा सही है? तो कार्यशाला इसमें बोल रहा है कि इसमें 3 से 10 दिन लगते हैं, तो ये सही है। ठीक है, 3 दिन का भी होता है वर्कशॉप, 4 दिन की भी होती है वर्कशॉप, 5 दिन की भी होती है, तो यहाँ 3 से 10 की बात कर रहा है तो सही है। और इसमें प्रतिभागी जो होते हैं वो सीमित होते हैं, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें अनलिमिटेड नहीं होते हैं, कुछ लिमिटेड लोगों को ही इसमें बुलाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो विषय है वो पूर्व निर्धारित होता है, यानी कि जो टॉपिक होता है वो पहले से ही डिसाइड होता है, तो ये भी सही है। तो सही आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अच्छा, यहाँ पर अगर आपसे सेमिनार के बारे में पूछ लेता, ठीक है, सेमिनार के बारे में, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं संगोष्ठी के बारे में, तो आपको इसके रिलेटेड पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि इसमें 90 मिनट, ठीक है, 90 मिनट से लेकर के 3 घंटे तक के लिए ये आयोजित किया जाता है सेमिनार। ठीक है, और इसमें जो है सैद्धांतिक निर्माण किया जाता है। ठीक है, सैद्धांतिक निर्माण किया जाता है इसमें, और इसमें जो विषय होता है, ठीक है, जो विषय होता है ये पूर्व निर्धारित होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें विषय पूर्व निर्धारित होता है, और इसमें 100 से लेकर के 100 या इससे भी अधिक जो है लोग शामिल होते हैं सेमिनार में, 100 तक होते हैं। ठीक है, 10 से लेकर 100 तक लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। वो निर्भर करता है कि सेमिनार जो है वो किस स्तर का है, क्योंकि सेमिनार मैंने आपको बताया था जो है राष्ट्रीय स्तर के भी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी होते हैं, और जो है विश्वविद्यालय स्तर पर भी आयोजित किए जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से सेमिनार अलग अलग स्तर के होते हैं, तो उसमें जो सम्मिलित लोग होते हैं वो भी, उनकी संख्या भी ऐसे भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सिंपोजियम शब्द का प्रारूपिक अर्थ क्या है? ठीक है, प्रारूपिक अर्थ की यहाँ पे बात कर रहा है, तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बौद्धिक मनोरंजन, बौद्धिक मनोरंजन इसका जो है
सही अर्थ है। अच्छा, सिंपोजियम क्या होता है? सिंपोजियम, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हिंदी में इसे और करना चाहें तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, परिसंवाद। ठीक है, परिसंवाद, यानी कि जब हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों से जो है किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो वो कहलाता है परिसंवाद। ठीक है, इंग्लिश में जिसे हम सिंपोजियम कहते हैं। देखिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और पहले की वीडियोस देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर पे फोकस करना है। करंट अफेयर पे मैंने जितने भी टॉपिक थे वो कवर करवा दिए हैं, लिंक उसकी नहीं है। ठीक है, आपको उसके लिए हमारे चैनल पर ही जाना पड़ेगा। पूरे करंट अफेयर जितने भी हो सकते थे, एकेडमिक करंट अफेयर, वो सारे मैंने करवा दिए हैं ऑलरेडी। ओके, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि NGT की स्थापना कब की गई थी? NGT की स्थापना कब की गई थी? तो सही जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 2010 में NGT की स्थापना की गई थी। और NGT जो है इसका हेडक्वार्टर जो है, हालांकि इसकी मुख्यालय कई जगह पर हैं, लेकिन हेडक्वार्टर जो है उसका वो है नई दिल्ली में। क्यों बनाया गया ये NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? वो बनाया गया था ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है इसका जो भार है वो कम हो सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई सारे मुद्दों पर जो है ऑलरेडी व्यस्त रहती है, तो पर्यावरण के जो मुद्दे होते हैं उन पर वो ध्यान नहीं दे पा रही थी। इस कारण जो है पर्यावरण के लिए एक अलग से न्यायालय बनाया गया जिसे NGT कहते हैं। ठीक है, NGT जो है सुनवाई करती है, NGT ही पर्यावरण का अगर कोई दोहन वगैरह करता है या उसको क्षति पहुँचाता है तो उसके लिए फटकार भी लगाती है, ये राज्यों को भी आदेश देती है। ठीक है ना, तो NGT कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपकू आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? चिपकू आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 1973 में जो है प्रारंभ हुआ था, और कहाँ पर? तो याद रखना है आपको, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में जो है ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व इसका किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। ये पॉइंट्स आपको इसमें याद रखना। अच्छा, किस वृक्ष के लिए किया गया था? तो वृक्ष का नाम था अंगू। ठीक है, अंगू, महिलाएं जो है पेड़ों को नहीं कटने देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने जो है पेड़ से लग गई थी या कहीं की चिपक गई थी, जिससे कि उन्होंने पेड़ों को कटने से बचा लिया, इसे ही चिपकू आंदोलन कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत का चिपकू आंदोलन किसे कहते हैं, या फिर कर्नाटक का चिपको आंदोलन किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा अपिक्को आंदोलन। ठीक है, अपिक्को आंदोलन जो था उसको दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहते हैं। ये कर्नाटक में हुआ था, और कहा जाता है बिल्कुल वही कहानी थी इसकी भी जो कि उत्तराखंड में थी। ठीक है, यहाँ भी महिलाएं जो हैं पेड़ों से चिपक गई थी ताकि पेड़ों की कटाई ना की जा सके। ठीक है, अपिक्को आंदोलन कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था, सन भी आपको याद रखना, 1973 में। अच्छा, साइलेंट वैली एग्जाम में पूछा गया इस बार, साइलेंट वैली जो आंदोलन है वो भी पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया था। कब किया गया था, तो 1976 में किया गया था। कहाँ पर किया गया, तो केरला में, याद रखना आपको। और नर्मदा बचाओ आंदोलन भी आपको याद रखना है, नर्मदा बचाओ ये आपसे पूछा जा सकता है, बचाओ आंदोलन। तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1985 में। ठीक है, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया था? तो माध्यमिक स्तर पर जो है व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की थी आचार्य राम मूर्ति समिति ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, आचार्य राम मूर्ति समिति ने। अच्छा, कब गठित की गई, 1990 में। अच्छा, तारकुंडे भी जो है शिक्षा से संबंधित समिति है, ये 1978 में गठित की गई। कोठारी आयोग सन 1964 में गठित किया गया। यशपाल समिति 1993 में गठित की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना जो है वो की गई थी 28 दिसंबर 1953 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, UGC से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है, लगभग 3-4 शिफ्ट में मैंने देखा कि UGC से क्वेश्चन पूछा गया है, तो जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट UGC से उसे आप ज़रूर पढ़ लें। ठीक है,
28 दिसंबर 1953 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना के लिए जो सिफारिश की थी वो किसने की थी, तो राधा स्वामी राधा कृष्णन समिति, ठीक है, राधा कृष्णन समिति ने इसकी सिफारिश की थी। सन 1948 में समिति बनाई गई थी। और इस समय चेयरमैन कौन है यूजीसी के, तो वो है डीपी सिंह। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।